अगला जो हमारा टॉपिक है वो है जीरो बेस बजटिंग, यानी JBB, जीरो बेस बजटिंग। जैसे कि आप देख रहे हैं, बजट मतलब उसका बेस जीरो होना चाहिए। इसका मतलब ये होना चाहिए कि इस प्रकार की परिस्थितियां जो होती हैं बजट बनाने के लिए, इस प्रकार की परिस्थिति में इन द मोस्ट लिटरल सेंस JBB इम्प्लाइज कंस्ट्रक्टिंग ऑफ ए बजट विदाउट एनी रेफरेंस टू व्हाट हैज गोन इन प्रीवियस ईयर और पीरियड बेस्ड ऑन ए फंडामेंटल रीअप्रेजल ऑफ पर्पसेज मेथड्स एंड रिसोर्सेज। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर R.A. मसग्रेव डिफाइन्स इट एज ए टर्म सजेस्ट द आइडिया इज टू कंसाइडर द बजट एज ए होल रैदर देन टू एग्जामिन इंक्रीमेंटल चेंज ओनली। यहां पर हम बात करेंगे जीरो बेस बजटिंग के बारे में। जीरो बेस बजटिंग का पूरी तरह से यह बताया जाता है कि इस प्रकार के बजट को बनाने का कोई आधार नहीं होता है। ज्यादातर जब बजट बनाए जाते हैं तो उनको हम प्रीवियस ईयर यानी गत वर्ष को आधार बना लेते हैं कि किस प्रकार से हमारा खर्च पिछले साल हुआ था, उसके आधार पर आने वाले भविष्य में हम क्या खर्च करेंगे, कितना खर्च करेंगे और हमारे पास किस प्रकार से इनकम प्राप्त होगी यानी आय होगी। इसका मतलब ये होता है कि शून्य आधारित बजट व्यवस्था इस मान्यता पर आधारित है कि कोई भी व्यय आवश्यक नहीं होती है, बल्कि उसको खर्च करने के लिए शून्य आधार का निर्माण किया जाएगा, यानी ऐसा आधार होगा जिस पर हम वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखेंगे और पिछले साल हमने क्या खर्च किया था, किस पर खर्च किया था, इस आधार पर हम बजट नहीं बनाएंगे। इसका मतलब है कि जब वित्त मंत्री अपनी बजट की मांगों को प्रस्तुत करता है तो इस प्रकार मान लिया जाता है कि गत वर्ष बजट शून्य था, यानी पिछले साल का हिसाब किताब उसकी नजर में बिल्कुल शून्य रहेगा। उस हिसाब से वह वर्तमान समय में चालू वर्ष में जो भी व्यय होता है, जिसको वह निर्धारित करेगा, उसको ही वह अपने बजट व्यवस्था में लागू करेगा। यह पूरी तरह कार्यक्रम प्रेरित माना जाता है, उसी समय का यह निर्णय होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसमें प्रत्येक मद को नई मद मानते हुए उसका नए सिरे से मूल्यांकन किया जाता है और इस प्रणाली में अत्यधिक व्यवहारिक और औचित्यपूर्ण माना जाता है और इसको परिणाम के अनुरूप माना जाता है कि यह उस समय वर्तमान समय में जो इनकम प्राप्त होने की संभावना है, जो खर्च होने की संभावना है, सिर्फ उन्हीं पर ही उन्हीं कार्यक्रमों और योजनाओं और क्रियाकलापों को तेज गति से लागू करने और उनको परिणामों का प्रभावी ढंग से मूल्यांकन करने तथा सभी मानवीय कौशल तथा सभी संबंधों को विकसित करने पर बल दिया जाता है। अर्थात वर्तमान समय ही इसका मुख्य आधार होता है। बजट बनाने का मुख्य आधार सिर्फ वर्तमान की परिस्थितियां ही होती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जीरो बेस बजट एक ऐसा बजट है जिसका कोई आधार नहीं होता है। ज्यादातर बजट गत वर्षों को आधार बनाकर ही तैयार किए जाते हैं, लेकिन शून्य आधारित बजट में किसी प्रकार का आधार नहीं होता है। जब इसका कोई आधार नहीं होता है तो इसको वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से ही मूल्यांकित किया जाता है, इसके लक्ष्यों की पहचान की जाती है और प्रत्येक इकाई का विश्लेषण किया जाता है और इसको समूहों के हिसाब से इसका मूल्यांकन किया जाता है कि कहां पर कितना खर्च होगा, कहां से इसको आय प्राप्त होगी। इस प्रकार से इस बजट में बिल्कुल वर्तमान परिस्थितियां ही जिम्मेदार होती हैं। अब अगला हमारा जो प्रश्न है वो है, देखेंगे आप ध्यान से तो, व्हाट इज मेन बाय डेफिसिट फाइनेंसिंग।
क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी स्क्रीन पर, डिफिसिट फाइनेंसिंग क्या है? इसको हम घाटे की वित्त व्यवस्था या हीनार्थ प्रबंधन नाम से भी हिंदी में जानते हैं। यदि प्रश्न में हीनार्थ प्रबंधन या घाटे की वित्त व्यवस्था पूछी जाती है तो इसको हम इसी प्रश्न का जवाब देंगे। सरल शब्दों में अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसका मतलब होता है घाटे की वित्त व्यवस्था एक ऐसी भी स्थिति होती है जिसमें सरकार का जो व्यय होता है उसकी आय की तुलना में अधिक होता है और सरकार इस घाटे की पूर्ति करने के लिए ऋण लेती है, यानी लोन लेती है, चाहे वह ऋण जनता से लिया जाए या केंद्रीय बैंक से या नई मुद्रा छाप करके उसकी पूर्ति की जाए। इस संबंध में हम इसके बारे में इस हीनार्थ प्रबंधन में समझते हैं, यही हीनार्थ प्रबंधन कहा जाता है। यदि इसको हम इंग्लिश में समझें तो डेफिसिट फाइनेंसिंग इंप्लाइज एन एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट ओवर इट्स करंट रेवेन्यू, यानी सरकार के द्वारा वर्तमान समय में जो आय जनरेट होती है उससे ज्यादा उनके खर्च को ही इसमें शामिल किया जाता है। द डेफिसिट इन द बजट सो इनकर्ड कुड बी फाइनेंसिंग आइदर थ्रू पब्लिक बोरोइंग्स और थ्रू द क्रिएशन ऑफ न्यू करेंसी बाय द गवर्नमेंट। Both the method would result in deficit financing, but in India the term deficit financing is interpreted in a narrower sense. Deficit financing in Indian sense may be said to occur when the budgetary deficit is financed by the government through the creation of new or additional currency. भारत के अंदर जब नई करेंसी छापी जाती है तो वह परिस्थिति देश के लिए जब धन सरकार खर्च करती है ऐसी परिस्थिति डेफिसिट फाइनेंसिंग को बढ़ावा देती है। इसका मतलब यह होता है कि भारत में जो वित्त व्यवस्था होता है, यानी कि जो यहां पर व्यवस्था अपनाई जाती है, सरकार बजट के घाटे को अधिक नोट छाप करके अथवा केंद्रीय बैंक से ऋण लेकर के पूरा करती है। दोनों ही दशाओं में देश में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसके बारे में डॉक्टर बी के आर वी राव के अनुसार, जब सरकार जानबूझकर किसी उद्देश्य से अधिक व्यय करे और अपने घाटे की पूर्ति ऐसी विधि से करे जिससे देश में मुद्रा की मात्रा बढ़े तो इसे हीनार्थ प्रबंधन कहते हैं, यानी यही डेफिसिट फाइनेंसिंग कहा जाएगा। इस परिस्थिति में सरकार ऐसी व्यवस्था में होती है जहां पर उनके खर्च उनकी आय की तुलना में अधिक होते हैं। यहां पर आपने पढ़ा डेफिसिट फाइनेंसिंग, अब हम पढ़ेंगे वेरियस कैनन्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, अर्थात विभिन्न प्रकार के सिद्धांत क्या हैं जिसमें सरकार जनता के ऊपर पैसे खर्च करती है। आखिर वे कौन कौन से कैनन्स हैं, कौन कौन से वे सिद्धांत हैं जिसके बारे में हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट इसमें आता है कैनन्स और प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिट, इसका मतलब होता है लाभ का सिद्धांत। द आइडिया ऑफ दिस कैनन इज मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, पब्लिक एक्सपेंडिचर शुड बी प्लान्ड इन सच अ वे एज टू यील्ड मैक्सिमम सोशल एडवांटेज एंड सोशल वेलफेयर टू द कम्युनिटी एज अ होल एंड नॉट टू ए पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ द कम्युनिटी। द गवर्नमेंट शुड इनकर इट्स एक्सपेंडिचर इन मैनर सो एज टू प्रमोट द ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। यानी इस सिद्धांत में सरकार इस विचारधारा पर करती है काम कि जनता को अत्यधिक सामाजिक लाभ प्राप्त हो और एक नई योजना के हिसाब से मैक्सिमम सोशल एडवांटेज यानी सामाजिक लाभ प्राप्त हो और सामाजिक कल्याण में वृद्धि हो, वह संपूर्ण समाज को हो, न कि किसी विशेष वर्ग अथवा समाज को। इस प्रकार से यहां पर पूरे लाभ पर ध्यान दिया गया है। दूसरा है कैनन ऑफ इकोनॉमी, यानी आर्थिक सिद्धांत। द कैनन ऑफ इकोनॉमी सजेस्ट दैट द स्टेट शुड बी इकोनॉमिकल इन स्पेंडिंग
It implies two things. Firstly, the government should not spend more than the amount required to be spent on particular item of expenditure. Secondly, the state should spend money in such a way that might develop the productive capacity of the community as much as possible. इसका मतलब होता है यहाँ पर खर्च जहाँ पर किया जाए वहाँ की इनकम पर भी ध्यान दिया जाए. इस प्रकार से इतना अधिक खर्च किया जाए जहाँ पर पार्टिकुलर उस विशेष प्रकार के सरकार को इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो उन्होंने खर्च किया है क्या उस हिसाब से वहाँ पर उत्पादन संभव है या नहीं, क्या वहाँ पर उतना लाभ मिल रहा है या नहीं. यानी जैसे अगर हम कोई खर्च करते हैं जहाँ पर खर्च करते हैं उस खर्च से हमें एक प्रकार से लाभ होने की संभावना होती है, ऐसे ही सरकार को इस प्रकार की कंडीशन में यह ध्यान देना बहुत जरूरी होता है कि क्या सरकार को सार्वजनिक व्यय के द्वारा परिवहन हो, विद्युत हो, प्रशिक्षण हो, तमाम सुविधाओं का जो विस्तार किया गया है उससे उत्पादन में वृद्धि हो रही है नहीं या नहीं हो रही है, या हो रही है जिस पर सार्वजनिक व्यय किया जा रहा है क्या उससे लाभ प्राप्त हो रहा है या नहीं. थर्ड है कैनन ऑफ सैंक्शन. कैनन ऑफ सैंक्शन से हमारा मतलब होता है दिस कैन नॉट बी इम्प्लाइज फॉर पब्लिक अदर देन बेनिफिशरीज. यानी उन लोगों के लिए जिनके लाभ के लिए ये बनाया गया है, सरकार ने जो खर्च किया है क्या उनको सही तौर पर यह लाभ उनको प्राप्त हो रहा है या नहीं. दिस कैनन इम्प्लाइज दैट बिफोर इनकरिंग एनी एक्सपेंडिचर द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कंसर्नड शुड टेक प्रॉपर सैंक्शन फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस कैनन इज टू अवॉइड मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ पब्लिक मनी एंड टू सिक्योर इट्स प्रॉपर यूज. ओनली गेटिंग प्रायर सैंक्शन इज नॉट सफिशियंट. इट मस्ट बी प्रॉपरली इंस्पेक्टेड एंड एग्जामिन वेदर द सैंक्शन अमाउंट ऑफ मनी इज बींग स्पेंड ऑन सैंक्शनड आइटम्स इन ए सैंक्शनल मैनर. सैंक्शन ऑफ कैनन जो होता है ये इस बात की सिद्धांत बताता है कि जो धन सरकारी संस्थाओं के द्वारा, डिपार्टमेंट के द्वारा पास किए जा रहे हैं क्या उनका सही उपयोग सही जगह पर सही तरीके से सही संस्था के द्वारा किया जा रहा है या नहीं. अगर होता हो या नहीं होता हो उसकी विधिवत जांच पड़ताल की जाएगी, उसके बाद उस धन को पास किया जाएगा, तब वह लाभ उस समाज को प्राप्त होगा जिसके लिए इसकी स्थापना की गई है. चौथा प्रिंसिपल है कैनन ऑफ सरप्लस. इसका मतलब होता है लाभ का सिद्धांत, अर्थात यहां पर आधिक्य का सिद्धांत है. दिस कैनन और प्रिंसिपल इंप्लाइज दैट पब्लिक अथॉरिटीज शुड एम एट सरप्लस ऑफ इनकम ओवर देयर एक्सपेंडिचर एंड दैट दिस शुड अवॉइड डेफिसिट जस्ट एज एवरी प्रूडेंट मैन will attempt to adjust his expenditure to his income and if possible to see that his expenditure is less than his income. So also every government should attempt to balance its income and expenditure and if possible aim at moderate surplus. सरकार की पूरी व्यवस्था इस प्रकार पर आधारित होती है, इस सिद्धांत पर आधारित होती है कि जो भी पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा अगर किसी प्रकार का उद्देश्य पूरा किया जा रहा है तो वह इनकम और एक्सपेंडिचर पर ध्यान देकर किया जाए. इनकम और एक्सपेंडिचर से अगर बाहर दायरे में काम किया जाता है तो वह डेफिसिट का दायरा होगा, तो इसमें डेफिसिट को अवॉइड करना होता है. जस्ट एज एवरी प्रूडेंट मैन विल अटेम्प्ट टू एडजस्ट हिज एक्सपेंडिचर टू हिज इनकम. इसमें हर प्रकार का व्यक्ति इस बारे में जरूर सोचता है कि सरकार के द्वारा जो भी सामाजिक कल्याण के लिए खर्च किया जा रहा है उसका सही इस्तेमाल हो,
और एक सही तरीके से इस्तेमाल हो। इससे अगर वह इस्तेमाल करता है तो उसको सरप्लस ही प्राप्त होगा, वह नुकसान में नहीं जाएगा। जैसे कि सरकार ने सड़क बनाया, सड़क से हमारे आने जाने के साधन बहुत ज़्यादा बन जाते हैं आसान, और हम अपने कार्य में जहाँ पर हमें काम करने में जाने में आने में समय बर्बाद होता है, उतना समय हम किसी अन्य कार्य में लगाते हैं। इससे जन कल्याण में सरप्लस की भावना आती, यानी कि जन कल्याण को फायदा मिलता है। इस प्रकार से इनकम की ओर हम चलते हैं, ना कि डेफिसिट की ओर। सरकार का पूरा प्रयास यही होता है कि समाज के अंदर एक संतुलन बना रहे, एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा बेस इकोनॉमिक का जनरेट हो जिससे सभी प्रकार के लोग लाभान्वित हों, सभी प्रकार के लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। तो यहां पर हमने पढ़ा इस वक्त व्हाट आर द वेरियस कैनन्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब हम बात करेंगे प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर के बारे में। तो वीडियो ज़्यादा लंबी न हो जाए इसलिए इसको यहाँ विराम देंगे। अगली वीडियो में हम इसको जरूर देखेंगे।